हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सच मुझे अगर बताएं, ऐसे पढ़ाने में तो सबको मजा आता है मुझे, पर आप लोगों को कुछ ज्यादा आता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप सबसे छोटे हैं और आप सबसे प्यारे हैं। ओके, इसी और आप लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, कमेंट्स भी आजकल आ रहा है, पर सबका नहीं आ रहा, यही तो गड़बड़ है। सब क्यों नहीं करता है कमेंट? सब अपने डाउट्स को नहीं पूछते हैं? सबको पूछना चाहिए। ओके, और मैं पिछली बार भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि आपके क्लास में कंपटीशन सबसे ज्यादा है। कौन जीतेगा? क्योंकि कुछ बच्चे और बच्चियां बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओके, होमवर्क भी बना के भेजते हैं, डाउट भी बना के भेजते हैं, तो आप ध्यान देंगे। और सल्लू मल्लू भी भेज रहा है, कान्हा तो डेली पहले ही नाम आ जाता है, कान्हा का, जैद का, और एक गर्ल्स का भी आता है। बाकी गर्ल्स लोग कहां है? उर्वशी का भी आता है कमेंट्स। अच्छा, आप लोग का हमेशा कमेंट्स आता है जीके सर हमें नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जीके कौन याद करेगा? मैं करूंगा। आपको जो जीके मिलता है उसका फेयर बनाइए, उसको फेयर बना करके याद करिए, सेल्फ स्टडी करिए। नहीं याद करिएगा तो हमेशा यही रहेगा क्वेश्चन कि सर जीके याद नहीं हो रहा, सर जीके नहीं आता है। याद करेंगे तब ना आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और आज का लेसन है हमने सिंप्लीफिकेशन, आज नया लेसन स्टार्ट करना था। और पहला क्वेश्चन है 1/3 और 3 × 3 / 3 / 3। तो एक बात आप जान जाए, बोर्ड पास के रूल्स के हिसाब से आप लोग पढ़ चुके हैं, डिवाइड से भी पहले ऑफ का काम होगा, उसके बाद डिवाइड का काम। ओके, ऐसे ऑफ का काम क्या मल्टीप्लाई है, लेकिन वो डिवाइड से पहले होगा। तो 1/3 ऑफ 3 × 3 / 3 / 3, पहले ये 3 काट देंगे, ऊपर नीचे है, तो यहां क्या बच जाएगा? 1 × 3 / 3। अब ये डिवाइड में है, ये नीचे है और ये ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 ऊपर और इधर वाला कहां आ जाएगा? नीचे। आप चाहें तो ऐसे सजा दें, काट देंगे, 1/1 में कट गया, 1 × 1, क्या आंसर आया? 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और आप याद रखिए मिस्टर काम आइजर के लिए, सानवी भी बहुत बनाती है, डाउट्स भी पूछती है, ठीक है? तो आप सब भी पूछा करें, टाइम फिक्स है, 8 बजे रात से पहले पूछना है, 8 बजे के बाद नहीं पूछना है आपको। ओके, 2 बजे से 8 बजे रात तक, दोपहर के 2 बजे से बहुत टाइम है, 8 बजे के बाद हम लोग कुछ आपका नेक्स्ट काम करने लगते हैं, उसमें अगर पूछेंगे तो काम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए एक शेड्यूल बनाया गया कि डाउट्स 2 PM से लेकर के 8 PM रात तक पूछना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 200 ऑफ 2/3 ऑफ 3/5, 2 बार ऑफ है, 200 ऑफ 2/3 ऑफ 3/5। तो इसमें सभी जगह ऑफ ही है, तो आप किसी को भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफ का काम पहले करना है और 40 और 2 बचा, और तो कुछ बचा नहीं, तो राइट आंसर 80। ओके, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2 × 1/3 + 3 × 1/2 − 1 × 1 × 3 × 2 × 1/4 / 3 × 3/5। ये आपका क्वेश्चन है। पहले हम मिक्स को तोड़ेंगे तो 3 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को जोड़ेंगे, 7/3 2 है इसमें, माइनस
4 by 3, 9 by 4, 18 by 5। पहला काम इधर ऑफ तो है नहीं, डिवाइड है, तो पहला काम हम डिवाइड कर करेंगे बेटा। ओके, कैसे देखिए, और कोई हैरानी परेशानी नहीं, बिल्कुल इसको इत्मीनान से करेंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे। जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। अब देखिए यहां से मल्टीप्लाई कह दो, अब पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 4 को 4 से काटेंगे, 3 को 3 टाइम काटेंगे, 3 को 18 काटेंगे, 6 टाइम में अब नहीं कटेगा। अब आ गया 7 by 3, 7 by 2 माइनस का सिंबल है और यहां 5 by 6 बच गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 to 6 का एलसीएम 6 आएगा, 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा 5। अब ये दोनों प्लस में है, प्लस को पहले जोड़ेंगे, 21 और 14। ओके, डिवाइडेड बाय 6, जब घटाएंगे तो कितना आएगा और काटेंगे तो राइट आंसर 5। इसका राइट आंसर 5 आएगा। और ध्यान रखेंगे एक एक स्टेप को बनाएंगे, एक बार में 4 स्टेप को नहीं लेंगे और धैर्य शक्ति के साथ बनाएंगे, सिंप्लीफाई इससे भी बड़ा बड़ा आएगा। और जब धैर्य शक्ति से बनाएंगे, और आपका बच्चों कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, जोड़ घटाव गुणा वगैरह अच्छा होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। ओके, इधर टेबल से क्या होता है मैथ में, सर टेबल क्या याद करना है? अगर टेबल करना होगा कि 5 × 7 तो हम ऐसे ही कर लेंगे, या कोई कहे कि 16 × 5 तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन टेबल जब इस आपको याद होता है तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है। कैलकुलेशन क्या होता है? फास्ट। एक आप इस बोर्ड पे लिख के कैलकुलेट करेंगे और एक तुरंत मुंह से बोलेंगे, तो आप मुंह से बोलेंगे टेबल याद है तो कैलकुलेशन फास्ट चलेगा और आप मैथ जल्दी बना देंगे, अपने टाइम पे बना देंगे। क्योंकि अभी तो आपको होमवर्क बनाने के लिए बहुत टाइम घर में मिलता है, लेकिन बेटा जब टेस्ट में बैठेंगे तो टाइम भी फिक्स है और उस टाइम में आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है। ओके, तो इसको ध्यान में रखेंगे, टेबल को याद रखना है, टेबल याद रखने से आपका कैलकुलेशन भी सही होता है और मैथ को फास्ट हम लोग बनाते हैं। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले मिक्स को तोड़ेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को जोड़ेंगे, 70 by 3, 30 by 9। एलसीएम निकालेंगे, 3 × 9 = 9 है, 3 बार में ये चला जाएगा, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 9 = 1 होता है, 1 बार में जाएगा 30, 11 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 8 × 3 = 11 होता है, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 by 9, 38 में डिवाइड करेंगे 9 से, 4 बार में 36 कितना रिमाइंडर बचा, 2, तो ये 4 × 2/9 हो गया, ऐसे लिखेंगे 4 × 2/9 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 55 × 2 जोड़ेंगे तो 57/5, 18 19/3, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला जाता है, मैथ में मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे होगा। 19 का टेबल पढ़िए, मुझे लगता है कि 3 बार में ये कट जाएगा 9/5। मिक्स में क्वेश्चन है तो हमारा आंसर भी मिक्स में होगा, 1 × 4/5 राइट आंसर है। ओके, आप लोग एक बात को ध्यान रखेंगे, अभी जैसे मैंने आज फर्स्ट डे का क्वेश्चन बताया, आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा मुझे पता है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। मैं एक बार याद आप लोगों को ताजा करना चाह रहा हूं, और इसी पे आपका नेक्स्ट संडे का एग्जाम भी होगा, जो अगला लेसन नंबर सिस्टम और सिंप्लीफाई, आपके सामने क्वेश्चन होंगे और देखेंगे कौन कितना नंबर लाता है। दूसरी बात, अभी क्वेश्चन काफी भारी आएगा, जैसे जैसे दिन गुजरेगा 10-12 दिन पढ़ाऊंगा, आपका क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। आप अगर इसको बनाते रहेंगे, नोट्स तैयार करते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे,
तो आप आगे जल्दी सीखेंगे। इसलिए जल्दी सीखने के लिए और सबसे तेज होने के लिए आप नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करिए। सेल्फ स्टडी, कोई भी बच्चा तभी अच्छा कर सकता है जब उसके अंदर क्षमता ये हो कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकता। सेल्फ स्टडी जो नहीं करेगा बेटा वो आगे नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो सेल्फ स्टडी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारी बातों को जरूर ध्यान से सुन रहे हैं और उस बातों पे जरूर काम करेंगे। ओके, थैंक यू।